नमस्कार, तहलका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुख्तार अंसारी के गिरोह का स्लॉटर हाउस आज पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। जी हां, बताते समय कि अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चल रहा था कि भारी फोर्स के साथ आज मऊ में जमींदोज कर दिया गया है। बट ये पूरी नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये बुलडोजर लगाकर निस्ताबूत किया गया है। बताया जाता है कि अवैध रूप से ये बूचड़खाना चल रहा था, जो कई वर्षों से चल रहा था, नोटिस के बावजूद भी इसे हटाया नहीं गया था। आज भारी फोर्स के साथ इसे गिरा दिया गया है। ये पूरा नज़ारा हम दिखा रहे हैं मऊ के बांधे का है, जहाँ पे तमसा नदी के बंधे पर यह स्थिति था और वर्षों से चलाया जा रहा था। भारी फोर्स के साथ इसे गिरा दिया गया है। मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। बताते चलें कि अवैध रूप से चल रहा बूचड़खाना को आज जिला प्रशासन ने पूरी तरह से निस्ताबूत कर दिया है। बताते चलें कि कई बार नोटिस के बावजूद भी ये अवैध रूप से बूचड़खाना को नहीं हटाया गया था, जिसको चलते जिला प्रशासन ने एक बार फिर से अपनी भौंहें टेढ़ी कर ली और जिला प्रशासन भारी संख्या में फोर्स के साथ इसे गिरा दिया है। ये बताते चलें कि मऊ नगर के स्थित तमसा नदी के पास का किनारे के पास का है, जहाँ पे कई वर्षों से अवैध रूप से चल रहा था ये बूचड़खाना, जिसको लेकर जिला प्रशासन आज पूरी तरह से मुस्तैद हो गया और नोटिस के बावजूद न हटाए जाने पे भारी फोर्स के साथ मऊ डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर भारी संख्या में पुलिस और पीएससी लगाकर इसे पूरी तरह से निस्ताबूत कर दिया गया है। बताते चलें कि ये मुख्तार अंसारी के गुर्गे का उनके गिरोह का है, जहाँ पे वर्षों से ये चलाया जा रहा था। ये देखिए पूरी नज़ारा हम दिखा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में फोर्स लगाई गई है और भारी संख्या में फोर्स लगाकर ये देखिए मऊ के डीएम और एसपी मौके पर तैनात हैं। ये और भारी संख्या में फोर्स भी लगा दी गई है। पुलिस और पीएससी और अधिकारियों का जमावड़ा है बंदे पर। ये देखिए मऊ के डीएम और ये हैं एसपी। एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मऊ के डीएम और एसपी और सहित कई अन्य अधिकारी भी मौके पर स्थिति का जायजा लेते हुए और इसे निस्ताबूत करने का आदेश दे दिया है और निस्ताबूत भी हो रहा है। बुलडोजर, कई बुलडोजर लगा कर किस तरह से निस्ताबूत किया जा रहा है, हम ये पूरी नज़ारा हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से दो दो तीन तीन बुलडोजर लगाए गए हैं और बुलडोजर लगा के इसे जमींदोज अथवा गिराया जा रहा है। ये मऊ तमसा नदी के तट के पास का है, जहाँ पे अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चल रहा था। इस स्लॉटर हाउस को पूरी तरह से निस्ताबूत कर दिया गया है आज। ये देखिए भारी संख्या में पुलिस और पीएससी लगा दी गई है, ताकि किसी तरह से विरोध और उपद्रव न हो सके। ये बताते चलें कि इस बंदे पर कई वर्षों से ये अवैध रूप से चल रहा था। देखिए किस तरह से निस्ताबूत किया जा रहा है बुलडोजर लगाकर। हम पूरा नज़ारा हम तहलका न्यूज़ आपको पूरी एक एक पल पल की पूरी खबर हम आपको दे रहे हैं। ये पल पल की एक एक पल पल की आपको खबरें दे रहे हैं किस तरह से निस्ताबूत की जा रही है। हम ये दिखा रहे हैं आपको किस तरह से बुलडोजर दो दो तीन तीन बुलडोजर लगाए गए हैं और बुलडोजर के साथ इसे निस्ताबूत किया जा रहा है और भारी संख्या में पुलिस और पीएससी भी लगाए गए हैं। जिले के आला अधिकारी डीएम एसपी सहित आला अधिकारी भी मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिस और पीएससी भी तैनात है और किस तरह से इसे निस्ताबूत किया जा रहा है पूरी नज़ारा हम तहलका न्यूज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक पल की एक एक घटना की ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी संख्या में पुलिस और पीएससी पहुंचकर इस बूचड़खाने को, इस शेल्टर हाउस को निस्ताबूत किया जा रहा है। देखिए बंदे पर लगाया गया है नोटिस के बावजूद भी इसे हटाया नहीं गया था। ये अवैध रूप से संचालित होने के बावजूद भी इसे नोटिस जारी किया था, इसके बावजूद भी ये हटाया नहीं गया था, जिसके चलते आज इसे निस्ताबूत अथवा इसे गिरा दिया गया है, पूरी तरह से गिरा दिया गया है। ये बताते चले कि मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी के शव पर उनके ही गिरोह के उनके ही लोगों द्वारा ये निर्मित था स्लॉटर हाउस और स्लॉटर हाउस कई वर्षों से चलाया जा रहा था। ये बताते चले कि मुख्तार अंसारी बाहुबली मऊ सदर के संरक्षण में संचालित था, ये उनके ही लोगों द्वारा ये निर्मित किया गया था ये बूचड़खाना, जो वर्षों से चल रहा था। कई बार नोटिस के बावजूद भी इसे हटाया नहीं गया था और हटाए न जाने पर ये मऊ के डीएम और एसपी मौके पर पहुंचकर भारी संख्या में पुलिस और पीएससी लगाकर इसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। हम पूरा वाक्य दिखा रहे हैं। ये पूरा मऊ नगर के तमसा नदी के तट के पास का है, जहाँ अवैध रूप से ये संचालित था बूचड़खाना, जिसको लेकर आज
एक बार फिर से मऊ नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और उनके गिरोह को नेस्ताबूत करने का भी जिला प्रशासन व सरकार पूरी तरह से ठान ली है। इसी एवज में आज मऊ के बंधे पर ये बुचड़खाना, ये शेल्टर हाउस को नेस्ताबूत कर दिया गया है। पूरी तरह से नेस्ताबूत का नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको। कालका न्यूज आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से बुलडोजर लगाकर नेस्ताबूत की जा रही है और पूरे नेस्ताबूत कर इस मकान को, इस बुचड़खाने को, इस शेल्टर हाउस को गिराया गया है। यहाँ पे कट्टी खाना शेल्टर हाउस ये काफ़ी समय से मुख्तार के संरक्षण में यहाँ संचालित था और यह पूरा एक अवैध निर्माण करके और यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ से मांस और खाल का यहाँ से कई ट्रक सामग्री प्रतिदिन यहाँ से बाहर जाती थी। इसको पहले हम लोगों ने बंद करा करके अब आज इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज यहाँ की जा रही है। सर, ये कौन लोग हैं जो जिनके संरक्षण में चल रहा था और कौन विशेष रूप से चला रहा था? ये सारा मुख्तार जी के संरक्षण का एक मामला है। सर, कितने कब से चल रहा था ये? अभी तो जनपद के लोग बताएं कितने साल पुराना है। इस जिले में आने के बाद जैसे हम लोग निगाह इस पर गई, विशेषकर जब तमसा की सफाई करवाई थी तभी इसकी कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और बीच में इधर लॉकडाउन आने के कारण उस दिन रुकी रही, लेकिन अब कार्रवाई इस पर ध्वस्तीकरण। सर, गिराए गए मकान की अनुमानित कीमत क्या है? अब इसकी अनुमानित कीमत तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो जो बड़ा वाला है ये ट्रिपल स्टोरी है, इनकी दो फ्लोर इसके नीचे हैं नदी में और एक फ्लोर ऊपर मंजिला है और काफ़ी बड़ा अंदर गोदाम थे इसमें, जिसमें ट्रक भी चले जाते थे और बाहर से बड़ा बड़ा दरवाज़ा लगा के किसी से किसी को पता न चले। तो इसकी कीमत बहुत कम होगी आज की तारीख में, तो भी कम से कम 15 से 20 लाख का, तो ये 20 लाख से ऊपर की संपत्ति अकेले उसके बगल में जो और सब बने हुए हैं उन सब जोड़ लिया जाए सब करीब 40 लाख के आसपास की संपत्ति है। कौन चला रहा था? अब उन्हीं के द्वारा, उनके आदमी द्वारा संचालित था सर। अगल बगल भी और इस पर कार्रवाई भी हुई है, पहले भी गैंगस्टर लगाए इन लोगों पर। सर, नदी के किनारे सर तमाम तरीके का अवैध निर्माण है, तो उस क्या उन सब पे भी कार्रवाई? बिल्कुल, सब गंगा सेवा तमसा समिति है लगातार इस पे आवाज उठाती है। तमसा समिति ने कई बार बात की, काफी सालों से इसको उठा रहे थे, लेकिन इस पे लगातार ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो चुके हैं। अभी ये शुरुआत हुई है, अभी कई सारे मकान टूटेंगे। थैंक यू।